10 दिसंबर से शुरू हो रहे दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरे पर भारत को मेजबान देश के खिलाफ 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। इस दौरे पर जहां सूर्य कुमार यादव T20 की अगुवाई करेंगे तो KL राहुल को वनडे टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का हिस्सा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में जहां कुछ नए और युवा चेहरों को मौका दिया गया तो कुछ सीनियर खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं दी गई है, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाती है कि बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को एक तरह से रिटायर करने का ही फैसला कर लिया है। BCCI और टीम के चयनकर्ताओं ने चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और उमेश यादव जैसे सीनियर खिलाड़ियों को दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर कर दिया है। रहाणे और पुजारा 35 साल के हैं जबकि उमेश यादव की उम्र 36 हो गई है। ऐसे में चयनकर्ताओं ने युवा बल्लेबाजों पर भरोसा जताया है। पुजारा और रहाणे की जोड़ी ने संयुक्त रूप से 188 टेस्ट मैच खेले हैं और दोनों ने 12,272 रन मिलकर बनाए हैं। चेतेश्वर पुजारा को टीम में जगह नहीं मिलेगी, इसको लेकर स्थिति पहले ही साफ नजर आ रही थी। पिछले कुछ समय से चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा है। पुजारा ने 2022 के अंत में बांग्लादेश में अपने शतक के सूखे को खत्म किया था, लेकिन इसके बाद वो रनों के लिए तरस गए। इसके बाद उन्होंने 10 पारियों में मात्र 211 रन बनाए, जिसमें एक ही बार वो 50 से अधिक का आंकड़ा पार कर पाए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए नजरअंदाज किए जाने के बाद रहाणे ने घरेलू स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई थी और WTC फाइनल में उन्होंने 89 रनों की पारी भी खेली थी। उस पारी के बाद ऐसा लगा मानो रहाणे अपने करियर को फिर से ट्रैक पर ले आए हैं, लेकिन कैरेबियन दौरे पर उनका बल्ला फिर खामोश रहा और वो 2 पारियों में केवल 11 रन बना पाए। इसके बाद ही उनका करियर खत्म माना जा रहा था। WTC फाइनल में रहाणे को श्रेयस अय्यर के रिप्लेसमेंट के रूप में भेजा गया। अब जब श्रेयस अय्यर वापसी कर चुके हैं और वाइट बॉल क्रिकेट में रन बना रहे हैं तो रहाणे का बाहर जाना भी अब तय माना जा रहा था। PTI के मुताबिक BCCI के एक अधिकारी ने कहा है, रहाणे और पुजारा के 2 स्थानों पर अब KL राहुल और श्रेयस अय्यर होंगे। साथ ही शुभमन गिल मध्यक्रम में बल्लेबाजी करेंगे और यशस्वी जायसवाल को और अधिक ओपनिंग के मौके मिलेंगे। इसके अलावा भारत के लिए 57 टेस्ट मैच खेले उमेश यादव को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है। पहले ही भारत के पास तेज गेंदबाजों की कमी नहीं है, ऐसे में उमेश की जगह वैसे भी नहीं बन रही थी। न्यूज एजेंसी PTI ने अपनी रिपोर्ट में तेज गेंदबाज को लेकर दावा किया है कि उमेश यादव भी अपना अंतिम टेस्ट मैच खेल चुके हैं।